करुणाम करो मये करुणा भरे ते सनक सनातन वारने तचरे तेरा दे राधे करुणाम कुरु मये करुणा भरिते सनक सनातन वरन तचरिते करुणाम कुरु मये जयो राधे जयो जयो माधव धरिते जयो राधे राधे गोकुल तरुणे मंडल महिते गोकुल तरुणे ओ जय राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय ओ जय राधे जय जय माधव दैते ओ जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 जयो माधव तिथि जय एकादशी माधव तिथि जय एकादशी जय माधव तिथि राधा दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा जय जय गुरुदेव जय शिला गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद 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 ताए गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अनिताए गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि अनादि अनादि क्या जयपुर का उसका नाम क्या अनादि 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 जयपुर हाँ जयपुर
वो बच्चे लोग बोल रहे थे हम भी कुछ कुछ बोलेंगे। और हरीश कहाँ गए? हरीश ये हरीश रोसी कर रहा है और रोसी बना रहे हो, आज ही रोसी बनाना तुम। और कोई कुछ बोलने वाले हैं? और आदि के सब, आदि के सब ना किया कुछ बोलोगे? हाँ एक बार बोलो, थोड़ी सी बोलो। अरे हाँ थोड़ी देर, बीच में बोलूंगा। कौन जा रहे? हाँ तुम भी जा रहे हो? ये ठीक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। सुंदर गोपाल कहाँ जा रहे हो? बोलने का चक्कर में जा रहे हो? सुंदर गोपाल बैठो, नहीं बैठो, कथा कथा के बाद में। हरे कृष्ण। हाँ देखो धीरे धीरे कथा बोलने की आदत डालोगे ना, फिर धीरे 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 बोल सकते। निताई तुम कहाँ जा रहे हो? कथा 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 की बात जो बोल देना। अरे इधर उधर की बात बोलो बाप, बैठ बैठ घाटे घाटे चले जाएगा। हरे कृष्ण ठीक है। हरे कृष्ण सविता तुम भी कुछ बोलोगी? तुम्हारे तो नंबर ही नहीं आई, सबका नंबर आ गया। क्या पहले वन थे? हरे कृष्ण ठीक है। बीच में तुम थोड़े बोलना ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कथा, क्योंकि अभी ये दामोदर महीना है और विशेष करके दामोदर महीना में आज जो तिथि है कहते श्री एकादशी तिथि है, और जो एकादशी तिथि जो वैष्णव लोग हम लोग और कोई बार व्रत को हम नहीं करते हैं, केवल हम लोग श्री
एकादशी व्रत पालन करते हैं। बोले कारण क्या है? बोले माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कारी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बारी, शोध भक्त चरण रेणु भजनानो बोला। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये जो तिथि का नाम माधव तिथि, जैसे साधारण लोग कोई सोमवार करते हैं, कोई मंगलवार करते हैं, कोई बुधवार, कोई शनिवार, कोई कोई तो सारे बार ही बार करते हैं, सात दिन ही करते हैं। लेकिन हम लोग, हम कोई व्रत नहीं करते हैं, हम लोग केवल एकादशी व्रत करते हैं, क्योंकि जो एकादशी व्रत ये माधव का तिथि है, ये कृष्ण का ये तिथि है, और कृष्ण का अंदर में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान। जब हम एकादशी व्रत कर लेते हैं वो सारे व्रत अपने आप हो जाता है। इसलिए जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सबको। जब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं सारे देवादेवी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये तिथि को कैसे पालन करनी चाहिए? कहते जतने पालन करी, इसको जतन पूर्वक करनी चाहिए। जतन पूर्वक मतलब क्या है? इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे जो एक सच्चा साधक होगा, जो सचमुच से इस जीवन में भगवत प्राप्ति की जो इच्छा करेगा, उसको एक एकादशी से लेकर के दूसरे एकादशी तक अपना जीवन का जो रूटीन को उसको चिंतन करनी चाहिए। हमारी जो भजन है, हम एक एकादशी पहले किया था और अभी एकादशी से अभी हमारी भजन कितना बढ़ा है, हमारे नाम की संख्या कितना बढ़ा, सेवा कितना बढ़ा है, हमारे भक्ति में हम कितने उन्नत हुए, ऐसे भक्ति में हमने कितने, हम भक्ति में उन्नत हुए हैं, हैं? इसको क्या करनी चाहिए? उसको हमें नोट करनी चाहिए। ऐसे नहीं जीवन जा रहे तो जा ही रहे, नहीं, प्रभुपाद कहते नहीं, एक सच्चे साधकों को जो सचमुच से जो जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, कहते उनको इसी विषय पर अच्छे तरह से विवेचना करनी चाहिए। और प्रभुपाद कहते थे अगर एक जीवन में अगर कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता हो, कितना जीवन में, एक जीवन में अगर सचमुच से तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, कि जो एक सचमुच से जो सिंसियर साधक है ना, इसको रोज सोने से पहले अपना डायरी में अपना नोट करनी चाहिए। आज हमने कितने बजे उठा है, क्या किया है, कितने बजे आज हमने उठा है, हम कितने समय इधर उधर का बात में गमाया है, फजूल का इधर उधर गप्पे मार करके समय बिताया है, हमने कितने माला की है, कितने हमने सदग्रंथों को हमने अध्ययन किया, कितने आज हमने सेवा की है, इसको विषय पर विचार करनी चाहिए। सोने से पहले इसको विचार करनी चाहिए। अगर आज हमारी उल्टा पुल्टा बात में कहीं अगर भगवत कथा छोड़ करके हमारी कहीं इतर विषय पर अगर हमारी समय गया तो उसको हम नजर रखेंगे नहीं, दूसरे दिन हमारी ये समय नष्ट नहीं होनी चाहिए। इतना समय हमने बेकार का बात में गमाया, क्योंकि ये जो जीवन है ये बड़े लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ति, ये बारंबार ये चांस भगवान नहीं देते हैं। इसलिए बोले देत ईसु बिनु हेतु सनेही। अगर कोई सोचे नहीं हमने कोई बहुत बड़ा पुण्य कर दिया था ना इसलिए भगवान ने हमें मानव शरीर दिया, कहते नहीं, हमारे कोई पुण्य से ये मानव शरीर नहीं मिला। इसलिए गोस्वामी जी कहते देत ईस बिनु हेतु सनेही, ये जो मानव शरीर मिला बिना कारण के ठाकुर कैसे स्नेह करके कैसे दे दिया है। अब एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी के अंदर में इतने बैक्टीरिया होते हैं, इतने बैक्टीरिया होते हैं, ये पृथ्वी में भी इतने इंसान है ही नहीं, मानते कि नहीं, इतने इंसान नहीं है। तो उसी एक शरीर सड़ जाए उसमें कीड़े पड़ जाए, आप देख लेना कितने कीड़े पड़ जाते हैं, पृथ्वी में साथ इतना जीव ही नहीं, इतने कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से ये मानव शरीर अगर विवेचना करो, कितने ही मानव शरीर बताओ, बहुत क्षुद्र है, बहुत कम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते देत ईस बिनो
हेतु सनही, भगवान कैसे दे दिया कैसे। एक प्रभुपाद का एक शिष्य थे, उनका नाम था अनादि कृष्ण प्रभु। वो कहते थे, कहते ये वो एक बात कहते थे, बोले एक समय को किसी ने एक गर्भ, एक मात्र स्त्री ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण किया तो पहले ये ऑपरेशन फपरेशन का व्यवस्था नहीं था। जब माता जी गर्भ धारण किया, उस इतने गर्भ धारण करने पर उसको बच्चा जब प्रसव कर रही थी, केवल उसका सर निकला और शरीर नहीं निकल रहा है, उसका शरीर नहीं निकल रहा है, केवल सर ही निकला। अभी क्या किया जाए, उस समय ऑपरेशन का व्यवस्था नहीं था। उसको परिवार लोग इंतजार कर रहे थे, देख बेटा होगा ना बेटी होगा। उन्होंने कहा देखो बच्चा का केवल सर निकला, शरीर नहीं निकला है, आप बताओ आप क्या चाहते हो। अगर आप फल चाहते हो फिर पेड़ को खत्म करना पड़ेगा, अगर आप पेड़ चाहते हो फिर फल को खत्म करना पड़ेगा, समझ रहे ना। अगर आप मां को चाहते हो ये बच्चे को मारना पड़ेगा, अगर बच्चे को चाहते हो मां को मारना पड़ेगा, बताओ क्या करना। अगर वो कहते थे अगर तुम चाहते हो फल रखिया, पेड़ रखिया हो, पेड़ रखिया हो, फिर जो बच्चा है ना उसको टुकड़े टुकड़े करके काट काट करके बच्चे को निकालना पड़ेगा, उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको काट काट करके शरीर को निकालना पड़ेगा, तभी ये वृक्ष बच सकता है। अगर आप वृक्ष चाहते हो फिर तो बच्चे को मारना पड़ेगा, अगर बच्चे चाहते हो फिर माँ को मारना पड़ेगा, बताओ क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोले देखो अगर वृक्ष रहेगा तो फल का चांस है, अगर अगर फल ही अगर वृक्ष ही खत्म हो गया। रामचंद्र प्रभु जी इधर आ जा, उनको चेयर दे दोगे यहाँ पर। कहते अगर वृक्ष ही खत्म हो गया तो फिर तो फल का कोई चांस नहीं। इसका मतलब है, वो कहते थे देखो, वो कहते थे, वो थे प्रभुपाद का आश्रित थे, वो कहते थे अगर, वो कहते थे अगर ये विषय को तुम चिंतन करोगे ना, मतलब कैसे ये जीवन है बच्चा को उसको टुकड़े टुकड़े करके काट काट करके माँ के पेट से निकलना पड़ेगा। वो ये बात को कहते थे, मतलब ये जो मानव शरीर हमें कितने कष्ट से मिला तुम सोच नहीं सकते हो। वो बोलते थे अगर इस चीज को याद करोगे ना तुमको रात में नींद नहीं आएगी, वो कहते थे, वो कहते रात को तुमको नींद नहीं आएगी। क्यों? अगर ये मानव शरीर एक बार नष्ट हो गया तो फिर दोबारा भगवान ये मानव शरीर तुम्हें देने वाले नहीं, इतने कष्ट से ये मानव शरीर मिला। इसलिए क्योंकि प्रभुपाद का शिष्य थे ना, हम देखता था पता नहीं 2:30-3 बजे उठ जाते थे वो, मुझे वो जगन्नाथपुरी में था, और उच्चे स्वर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो इसे पुकार पुकार करके ना, पुकार पुकार करके हरिनाम करते थे। एक बार क्या हुआ देखो, उनका प्रभुपाद का शिष्य का एक बार क्या हुआ, उन्हें जगन्नाथ जी को दर्शन करने गए। देखो इस चीज को ध्यान सुनो, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए तो बहुत भीड़ था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में गए होंगे, बड़े टहल चल, बड़ा भीड़ था। जब कभी कभी देखना एक साथ में यात्रियों को 100 से यात्रियों को धक्का मार करके निकालना पड़ता है, इतने लोग हो जाता है। वो धक्का मुक्की से क्या हुआ, उनका जो जप माला था ना, वो जप माला कहीं कैसे खो गया, जप माला कैसे उनको खो गया। जब उन्होंने बाहर निकले देखा उनका जप माला नहीं, कहीं खो गया, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो जप माला नहीं मिला। लेकिन जब फिर वो मंदिर में आए ना, वो इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे, मेरी जप माला कैसे खो गया। क्योंकि वो जप माला प्रभुपाद का दिया हुआ, गुरुदेव जब देते हैं जप माला कैसे देते हैं, उसमें भगवान का नाम को जप करते हुए, ठाकुर का चरण में दे करके, गुरु जी को स्मरण करते हुए माला जप कर तभी देते हैं। वो रो रहे थे मेरी जप माला कहाँ गया, इतना दिन का जप माला प्रभुपाद ने हमें जो जप माला दिए थे ये माला कहाँ गया, ये माला, इतने रो रहे थे। जो सोच हम तो सोच सोच करके, बेटे भी मरने पर इतना कोई रोएगा नहीं, हर किसी बेटे मर जाने इतना रोएगा नहीं, इतना ऐसे वो रो रहे थे। मतलब क्या है, मतलब प्रभुपाद का प्रति कितने आसक्ति। हम लोग क्या करते हैं, अगर माला कोई खो गया ना, बोले गुरु जी से और एक माला ले लेंगे ना, कोई चिंता नहीं। लेकिन पैसा नहीं खोता है, लेकिन हमारा माला खो जाती है, पैसा नहीं खोता है, माला खो जाती है। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं माला कब खोता है कि जब हम भगवान का नाम को ना, गुरुदेव जब माला दिया, माला क्या दिया, वो माला नहीं उन्होंने कृष्ण को दिया है, माला रूप में उन्होंने कृष्ण को हमें गुरुदेव माला दिए है। ये माला कब खोता है, जब हम माला ठीक ठीक से नहीं करते हैं।
माला अपराध हो, फिर माला को ठीक ठीक से हम जप नहीं करते हैं, माला को, माला तो कृष्ण स्वरूप है, वो तो और कोई नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान तो किस में, माला में नहीं, माल में ध्यान है, हैं? माल नहीं खोता है लेकिन हमारी माला खो जाती है। इसलिए वो इतने रो रहे थे, मैंने देखा है भगवान प्रभुपाद का शिष्यों के अंदर में कैसे वृत्ति है। इसलिए भैया कभी भी माला को जहां तहां नहीं छोड़नी चाहिए, जहां तहां नहीं रखनी चाहिए, माल से भी ज्यादा माल माला को जतन करके रखनी चाहिए, क्योंकि माला ही कृष्ण स्वरूप है। इसलिए वो कहते थे, ये प्रभुपाद कहते थे, सोने से पहले हमारे जो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज हैं, इनकी इन्होंने सोने से पहले पूरा अपना जीवन ही, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज हमारे ये बोल रहे थे, माधव प्रभु उन्होंने जो अप्रकट होने के बाद उनका जीवन में क्या क्या घटना घटी है ना, उनको कैसे पता चला, भले उनको नोटबुक दे करके आज क्या हुआ, कल हमारे साथ में क्या हुआ था, परसों क्या हुआ, सब एक एक नोट लिखते थे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे अगर हम भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, अगर सचमुच से अगर एक जीवन में अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, रोज सोने से पहले जो सिंसियर सचमुच से सिंसियर जो डेवोटी है, सोने से पहले अपना डायरी में लिखो आज हमने कितने समय इधर उधर बिताया हैं, कितने हमने माला की, कितने सेवा की, कितने उधर उधर से समय को गमाया। अगर आज अगर समय हमारी कहीं मिस किसी कारण से नष्ट हो गया, दूसरे दिन उस समय को चेक करो, नहीं कल इतना समय हमने अपना बेकार बात में गमाया है, आज वो समय को हम नहीं गमाएंगे, दूसरे दिन फिर चेक करेगा। अब अगर अब एक एक, एक सप्ताह करके देखो, ऐसे काम आप एक सप्ताह करके देखो ना, आपका जीवन में विशाल परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आएगा जीवन में हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते जो एकादशी तिथि है, ये जो एकादशी तिथि का दिन एक सच्चे साधक को एक एकादशी से लेकर दूसरे एकादशी तक उसको विवेचना करनी चाहिए, इस अंदर में हमारी भजन घटी ना हमारी भजन बढ़ा है, फिर तो आप भजन में धीरे धीरे अग्रसर हो सकते हो, धीरे धीरे आप भजन में अब अग्रसर भजन में हो सकते हो, नहीं तो भजन में अग्रसर नहीं हो सकते हो। इसलिए कहते माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, इसको हमें कैसे पालन करनी चाहिए, जतन पूर्वक पालन करनी चाहिए, जैसे श्री अम्बरीश महाराज सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करौर हरीर मंदिर मार्जनादिशु है, जैसे उन्होंने एकादश इंद्रियों को संपूर्ण भगवान की भजन में जैसे उन्होंने लगा करके रखे थे सारे एकादश इंद्रियों को है। इसलिए एकादश दिन, इसलिए प्रभुपाद का शिष्य लोग बोलते थे और रात भर नहीं सोते थे, कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे थे और प्रभुपाद का के शिष्य बोलते थे, वो क्या करते थे उस समय, कहते उनको लोभ देता थे, अगर मेरे साथ में आज कीर्तन करोगे ना मूंगफली खिलाऊंगा, मूंगफली टफी दूंगा, उनका ये लोभ दिखा करके वो क्या करते थे, पूरा बच्चों को लेकर के वो रात भर कीर्तन करते थे, रात भर कीर्तन करते थे। इसलिए कहते ना श्री हरि बसरे हरि कीर्तन विधान रंभेला प्रभु जगतेर प्राण पुन्ना बंत श्रीवासांगने शोभा रंभ उठिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। इसलिए महाप्रभु सारा रात है श्रीवास अंगने में रात भर कीर्तन करते थे, सोते नहीं थे महाप्रभु, मतलब साधों को उन्होंने सिखाया कैसे हमें ये एकादशी व्रत को हमें कैसे हमें जाजन करनी चाहिए। इसलिए एक रात भर तो सोते नहीं थे, दिन भर क्या करते थे इसका कहीं भी वर्णन नहीं सुनने में, इसलिए भले ही दिन भर सो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो व्रत है ये एकादशी व्रत है, ये माधव का व्रत है, इसलिए इसी दिन अगर हम कुछ साधन भजन करते उसका विशेष फल की प्राप्ति होता है। दिन में थोड़े सोते होंगे क्योंकि रात भर जगे हैं, लेकिन उन्होंने एकादशी जो माधव प्रिय तिथि है जिसमें भगवान की निवास, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, हैं? इसलिए
उसमें अगर थोड़ी सी हो तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उसमें ठीक ठाक है। इसलिए हम लोग ये कार्तिक महीना में कार्तिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी की हैं, इसी महीना की जो अधिष्ठात्री देवी है उसी महीना में हम लोग उसी वृंदावन में वास कर रहे हैं। और वृंदावन में वास करते हुए गुरु वैष्णव के आनुगत्य में हम लोग जो साधन भजन कर रहे हैं, ये चीज को साधारण बात नहीं समझनी चाहिए। विशेष विशेष हम लोगों का सौभाग्यवान है जो ब्रजवास, और कहां पर हम रह रहे हैं, गुरु जी कहते थे ये वृंदावन का ये हृदय, ये वृंदावन का ये हृदय। गुरुदेव ने देखो हमारा जो मंदिर है ना, कहां पर है, सेवा कुंज में। कोई गेट से घूम करके घुस करके आए अंदर में, इधर भी गेट में कोई आए, ये अंदर में है। सहज में कोई आएगा ना, एक समय कोई पंडा कुछ लोगों को ला रहे थे, वो तो डर गए, बोले कहां अंदर में चोरी करने के लिए, चुराने के लिए तो नहीं ले जा रहे हमें, इसलिए सहज में अंदर में घुसे नहीं। पहले एक व्यक्ति आकर देखा, सचमुच देखा बड़ा सुंदर मंदिर, फिर बुला करके लाए। लेकिन गुरुदेव कहते थे हमने, मैंने ये जगह को क्यों चुना, ये जगह को मैंने क्यों लिया। गुरुदेव कहते थे और तो वृंदावन में बहुत सारी जगह मिल जाएगा, लेकिन ये वृंदावन का हृदय है। और यहाँ पर दान गली, मान गली, कुंज गली और जमुना गली, कहती है चार गली में हमारी मंदिर विद्यमान है। लोग ढूंढ ढूंढ करके आते हैं कहां पर एक साथ में चार गली हो। वृंदावन में कहीं एक गली देखोगे, फौजदार गली, प्रेम गली, एक गली देखोगे, लेकिन एक साथ में चार गली एक जगह पर केवल हमारी मंदिर में ही ये गली। बोले श्री रूप सनातन गौड़िया मठ की, बोले श्री गुरुदेव की जय। इसलिए गुरुदेव ने इसलिए रखा है, जिसके मन में उत्कंठा वही आ सकते हैं, जिसके मन में उत्कंठा नहीं वो नहीं आ सकते है। कोई दुर्लभ वस्तु है ना, इसके लिए दुर्लभ साधन हमें, दुर्लभ साधन हमें करनी चाहिए। सच्ची बता रहा हूँ, जब पहली बार हम यहाँ आए ना तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि कार कहाँ लगाए। इसलिए हरे कृष्णा, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, शायद मैं 7-8 दिन यहाँ रुकूंगा, हम कोशिश करेंगे हम 7-8 दिन यहाँ पर कृष्ण कथा हम श्रवण करने के लिए, ठीक है। अभी कृष्ण कथा की बड़ी महिमा कृष्ण कथा की, इसलिए भागवत में कृष्ण कथा का अलग अलग नाम दिया है भागवत में, हैं? भागवत में गोपियों ने कृष्ण कथा का नाम क्या दिया है, कहती है कृष्ण कथा नहीं ये अमृत है। इसलिए गोपियां क्या कहती हैं, तब कथा अमृतम ताप्त जी ही बना कभी मेरे पिताम सलम साप श्रावण मंगल श्रीमदा तथा को भी गृणा सीते कृष्ण कथा को गोपियां कहती है कथा नहीं तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा ये अमृत। तब फिर एक नीति शास्त्र कहता है भैया अमृत तो इसी जगत में चार जगह पर है। बोले कहां अगर अमृत है, बोले अबधौ बिधौ बधु मुखे फणिनाम निवासे। बोले ये चार जगह पर अमृत बताया। बोले अबधौ, अबधौ मतलब होता है कहती ये समुद्र में ये अमृत है, क्योंकि देवता दैत्य जब मिल करके समुद्र मंथन की तब धन्वंतरी ने ये अमृत कलश लेकर उठा, इसलिए अमृत कहां पर, बोले श्री समुद्र में। लेकिन लेकिन हमारे वैष्णव लोग कहते नहीं वहां भी असली अमृत नहीं। बोले क्यों नहीं, बोले अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का पानी इतने खारी क्यों है, वो पानी तो मीठा होता है ना, समुद्र पानी देखे हो कैसे कितने मीठा है, खारी है ना, बोले पानी खारी क्यों है। बोले असली अमृत वहां पर नहीं। बोले दूसरा अमृत कहां पर, बोले चंद्रमा में। बोले विधौ, विधौ मतलब चंद्रमा में, कहता अगर उसमें अमृत हो तो तक है, मतलब पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र, अब देखना प्रथमा द्वितीय होते होते अमावस्या को पूरा खत्म, फिर उसमें फिर खय क्यों होता, वो तो पूरा की पूरा रहता। बोले वहां पर भी अमृत नहीं। बोले तीसरा
बोले बद्धु मुखे, बोले स्त्रियों की अधरा अमृत में ही अमृत होता है। जिसको पति लोग पान करते हैं, वैष्णव लोग कहते अगर उसमें अमृत होता पति हतात, पत्नी से पहले पति का ही राम नाम सत्य हो जाता है, फिर वो मर जाता क्यों, तो पूरा जिंदा रहता, फिर वो मरता क्यों, इसलिए वहां भी अमृत नहीं। बोले चौथा स्थान में बोले फणिनाम निवासे, फणी मतलब में सर्प, कहते जहां सर्प निवास करता है वहां पर ये अमृत। बोले गरुड़ात त्रासात, गरुड़ का आहार सर्प होता है, बोले उनका उससे डरता फिर क्यों, इसलिए अमृत वहां नहीं। बोले पंचमा अमृत कहां पर, बोले स्वर्ग में। बोले अगर स्वर्ग में अमृत होता तो खिन्नम पुण्यम मर्त्यलोकम विसरन्ति, देवताओं का पुण्य खत्म होते ही फिर क्या होता है, स्वर्ग से उनका चुत होता है, फिर चुत क्यों होते हैं, वहां तो रहते हैं, इसलिए वहां भी अमृत नहीं। बोले छठवां स्थान है ये मोक्ष को भी एक मोक्षामृत, ये मोक्ष को भी एक अमृत कहते हैं, लेकिन भगवान कहते दियमान अपि न गृह्णति मत सेवक मत सेवनो बिना, मैं अपना भक्तों को ये मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त तो मुक्ति को इतना घृणा करते हैं। बोले नरक बांछे तभी साजू जना चाहे, कहते भले ही नरक हम चले जाए लेकिन हमें ये मुक्ति साजू जी मुक्ति नहीं चाहिए। बोले क्यों, बोले अगर नरक से, कहते नरक से कभी ना कभी तो उधार होगा, भक्तों का संग होगा तो कृष्ण कथा अमृत को भक्ति अमृत को तो पान कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मोक्षा अमृत को साजू जो मुक्ति को प्राप्त कर तो जिंदगी भर कर लिए ये एक तरह का सुइसाइड है, जीवन कर लिए ये जीव की सत्ता ही खत्म हो जाती है। बोले भैया सब जगह में अपने मनाई मनाई कर दिया, फिर अमृत तो कहीं होगा, बोले हाँ अमृत एक जगह में, बोले सुधा बहती कंठे भगवत जनानाम, अमृत केवल एक जगह में जो शुद्ध भक्त हैं उनकी कंठ में, मतलब उनकी कथा में ही असली ये अमृत है, लेकिन अमृत और कहीं नहीं। इसलिए गोपियां क्या कहती हैं, तव कथा अमृतम ताप्त जीवनम, इसलिए असली जो अमृत भगवान की कथा में ही असली अमृत है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे जितना दिन है, प्रभु जी इधर आ जाओ संजय प्रभु जी, इसलिए हम कोशिश करेंगे 6-7 दिन हम कृष्ण कथा अमृत को पान करने के लिए। इसलिए कल कुछ कुछ भक्तों लोगों ने कथा सुनाए, कथा बोले, आज भी कुछ कुछ भक्तों का इच्छा हम भी थोड़ी बहुत सुनाएंगे। हमारे श्री अनादि प्रभु जी, अनादि प्रभु जी इधर आ जा, आ जा आ जा आ जा आ जा, आ जा। हर्ष प्रभु जी, और ये मोहित है, तुम तो मोहित हो, हाँ आज नहीं आया, हाँ इधर आ जाओ, थोड़े से सब बोलो सबके सब, सविता तुम भी बोलोगी नहीं बोलोगी, ठीक कल तैयारी होकर आना, ठीक है, और लड़कियों का नहीं मतलब तो है, ठीक है, तुम भी बोलोगी और गुड्डी भी बोलेगी, सब गए कि दिन हम चांस देख, ठीक है कल प्रिपरेशन होकर आना, कल बोलना, खड़े करो बोलो बैठी करो, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्युकर्मेण मनसा मनसि रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेति इति उपदेश सारम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ।
एवं उनकी अहेतु की कृपा वांछा करता हूँ। अथवा अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी साक्षांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ एवं उनकी अहेतु की कृपा वांछा करता हूँ। एवं यहाँ उपस्थित हमें श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं श्रीपाद रामचंद्र प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, परमेश्वर प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं संजय प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं सब यहाँ उपस्थित सभी श्रोत मंडली में वैष्णव वैष्णव के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसा कि हमारे गुरु जी बोलते थे सब समय कि जब भी शुभ तिथि उपस्थित हो तो हमें उसका यत्न रूप पालन करना चाहिए, मतलब यथासंभव पालन करना चाहिए। तो आज एक विशेष तिथि है, रमा एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी कृष्ण वसति वसति वले। मतलब ये जो माधव तिथि है ये साक्षात कौन है? कृष्ण, कृष्ण से अभिन्न है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस तिथि का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए क्योंकि इस तिथि में भगवान कृष्ण साक्षात निवास करते हैं। अब आप सभी जानते होंगे कि अनेक अनेक पुराणों में अलग अलग व्रतों का महात्म्य दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मल रूप में सोमवार शुक्रवार रविवार मंगलवार बुधवार गुरुवार इस सारे वारों का क्या दे रखा है? अनेक अनेक पुराणों में वृतांत दे रखा है। लेकिन आपने कभी सुना है कि इस व्रत को नहीं करने से आप लोगों को पाप लगेगा, पाप का भागी बनना पड़ेगा अगर आप सोमवार का व्रत नहीं करेंगे शुक्रवार का व्रत नहीं करेंगे? कहीं सुना है आप लोगों ने? नहीं। लेकिन माधव तिथि भक्ति जननी जो एकादशी तिथि है यदि हम लोग उसका यत्न रूप पालन नहीं करेंगे यथासंभव पालन नहीं करेंगे उस व्रत का, हम मतलब उस व्रत को पूर्ण रूप से यथासंभव पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें उसका पाप लगेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जो एकादशी तिथि है ना उस दिन यदि कोई व्यक्ति अन्न खाता है या बाहर की कोई भी वस्तु ग्रहण करता है तो क्या होता है? उस तिथि के दिन सभी पाप, सारे संसार का पाप क्या करता है? अन्न के अंदर आकर विराजमान हो जाता है। और क्या होता है? उसको ग्रहण करने से क्या होता है? जितने भी पाप हैं वो उस अन्न के माध्यम से हमारे खाने जाने पर क्या होता है? वो सारे पापों को हमें भोगना पड़ता है। इसलिए नाना प्रकार की व्याधि आती है। व्याधि अर्थात अलग अलग प्रकार की मतलब बीमारी उत्पन्न होती है जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। तो अब ये जो माधव तिथि एकादशी का व्रत का हमें शिक्षा दे रहे हैं कौन दे रहे हैं? साक्षात कृष्ण ने भी दिया, साक्षात उनके जो माता पिता है नंद बाबा यशोदा मैया सारे ब्रजवासीगण। तो शास्त्रों में दे रखा है, भगवत गीता में एक उपदेश है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवे तरोजना स यत् प्रमाणे कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि यहां तक कि ब्रजवासी में, ब्रजवासी कौन? नंद बाबा यशोदा मैया श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा सारी सखिया सारे ब्रजवासी क्या करते थे? एकादशी तिथि का पालन करते थे। यद यद आचरति श्रेष्ठ, यदि श्रेष्ठ व्यक्ति जिस वस्तु का पालन करता है उसे देखकर उनके जो पीछे पीछे वाले लोग हैं वो भी उसका आचरण करते हैं। तो यहाँ पे नंद बाबा यशोदा मैया सारे ब्रजवासी वर्ण क्या कर रहे हैं? आचरण करके दिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है? एकादशी तिथि का पालन करना है। महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए थे तो महाप्रभु ने नाम संकीर्तन दिया, साथ साथ में ये हरिवासर तिथि का भी उपदेश दिया। एक जगह महाप्रभु ने बोला सची मैया को
कि माता मोहे देह एक दान, मतलब बंगला में बोला था, मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद कर देता हूं कि माता मुझे एक दान दो। सच्ची माता ने बोला हाँ पुत्र, मैं आपको जो आप वर मांगोगे वो दूंगी। उस समय सच्ची माता व्रत नहीं करती थी एकादशी का। तो जब महाप्रभु ने बोला माता देह मोरे एक दान, एकादशी दिने अन्न ना खाइबो, मतलब उन्होंने बोला कि आप मुझे एक वर दो, आप कभी भी एकादशी तिथि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तब से महाप्रभु के कहने पर सच्ची माता ने वचन दे दिया, हाँ ठीक है, मैं आज से वचन देती हूं एकादशी तिथि का पालन करूंगी। अब यहां देखिए, नंद बाबा, यशोदा मैया, सच्ची माया, सच्ची माता, ये ब्रजवासी क्या बोलते हैं, जगन्नाथ मिश्र जी, सारे नवदीपवासी क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के आदेश का पालन कर रहे हैं। एकादशी का इतना महात्म्य, यहाँ तक कि सारे देवी देवता, सारे जो बड़े बड़े दिक्पाल महापाल, ये भी एकादशी का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य जाति है जो इस मृत्यु लोक में रह रहा है यही एकादशी का पालन करना अनिवार्य नहीं, वो लोग भी करते हैं। तो एकादशी के लिए बताया गया है कि उपावृतस्य पापेभ्यो वस्तु वासो गुणसह। अब इसका एकादशी का मतलब ये थोड़ी ना कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना, नहीं, ये मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है, मतलब गुणमय वस्तु के निकट में वास करना। गुणमय वस्तु कौन सी है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, उनके निकट में वास करने का अर्थात मतलब भगवान के निकट में रहकर नाम संकीर्तन करना। जब ही तो महाप्रभु आए इस जगत में तो क्या दिया हमें, सबसे मुख्य क्या दिया, नाम संकीर्तन। कलो परम उपाय, जो इस संसार से भव मुक्त होना चाहता है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमें नाम संकीर्तन, वो क्या करेगा, हमारा इस भव बंधन से हमें पार ले जाएगा। तो वो कौन सा मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो व्रत है, सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है, महाराज जी ने बताया था ना शुरुआत में बताया कि सारे व्रतों को, यहां तक कि कृष्ण जन्माष्टमी को ना बताकर क्या बताया, माधव तिथि, एकादशी तिथि का पालन हमें अवश्यंभावी करना है। अब बोल रहे हैं कि राम भज एक जगह बोल रहे हैं, राम भज काहे नहीं सुनत गंवार, कहत बार बार कहत कहत नहीं सुनत गंवार। तो यहां नाम महिमा भी बता रहे हैं कि हमको बोल रहे हैं कि भाई राम भज जीवन सी रात है, कहत बार बार काह नहीं सुनत गंवार। तो हमें सब जगह उपदेश मिल रहा है कि देखो भाई, राधा कृष्ण बोल संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, भगवान का सब समय नाम लेना चाहिए। तो सारा महाप्रभु का जो पूरा जो जोर था किस पे था, नाम संकीर्तन पे था। तो एकादशी की तिथि के दिन हमें सब समय, सब लोग बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं, इसमें समय नहीं व्यर्थ करना, समय किस में लगाना है, नाम संकीर्तन में, भगवान का नाम लेना है। और जब महाप्रभु श्रीवास आंगन में नृत्य करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तो उस जगह आपने देखा होगा भक्ति की महिमा बताई कि एक दुग्धपाई नाम का साधु आया, तो श्रीवास प्रभु ने क्या किया, श्रीवास पंडित जी ने, कि ठीक है ये महाप्रभु के दर्शन कर लेगा, भक्त है, साधु है, साधु वृत्ति है। तो श्रीवास प्रभु जी ने क्या किया, उनको चुपचाप देखने के लिए कहा कि आप क्या करना, महाप्रभु का नृत्य, महाप्रभु का जो लीला है वो आप छुप कर देखना। तो महाप्रभु को सब पता था कि यहाँ पर कोई है विजातीय, लेकिन उस समय बोला नहीं। लेकिन महाप्रभु ने जब नृत्य प्रारंभ किया तो श्रीवास जी को बोला, क्या बोला, कि श्रीवास आज मुझे
आनंद नहीं आ रहा है। क्या आज मुझे नित्य में आनंद नहीं आ रहा है? कोई विजातीय व्यक्ति तो नहीं है? जरा देखकर बताओ। जिस समय श्रीवास का जो सांस थी वो एक जगह पर छुप करके बैठी हुई थी महाप्रभु का लीला दर्शन करने के लिए, और जो दूध पान है उसको महाप्रभु डायरेक्ट उन्होंने प्रार्थना किया, एक दूध व्यवहारी है और फल खाते दर्शन कर सकते। फिर महाप्रभु बोले थे दूध पीने से फल खाने से भगवान। हाँ, वहां बताया कि श्रीवास पंडित जी ने बताया कि महाप्रभु ये जो साधु है ये क्या करता है, सिर्फ पूरे जीवन क्या किया, दुग्ध पान किया। तो महाप्रभु ने ये बात सुनकर उनको बोला कि केवल मात्र दुग्ध पान करने से ही भक्ति नहीं मिल जाती, साधु नहीं बन जाता। तो यहां पर एक दृष्टांत दे रहे हैं कि खाने और पीने का ये इसमें मैटर नहीं करता। यद्यपि आप लोगों को सबको ज्ञात है कि अन्न नहीं खाना, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ नहीं इसमें खाने और पीने की बता रहे कि अन्न भी चलेगा, नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि केवल दूध पान करने से ही या फिर फल खाकर रहने से ही, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई, भक्ति की। किसकी बताई, भक्ति की। शास्त्रों का अनुशीलन करना, भगवान के जो द्वारा उपदेश उनका अध्ययन करना, यहां पे ये बात बताई। और एक जगह आपने देखा होगा भक्ति के महात्म्य में और बताया ब्रजवासियों का, जब कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हुआ, जब उनके यहां व्यथा हुआ सिर में, तो नारद जी पहुंचे। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपके किस प्रकार की व्यथा है, इसका क्या इलाज है, आप तो स्वयं भगवान है, स्वयं हुए, तो आप इसका उपाय क्यों नहीं। तो इसका उपाय तो क्या होगा कि यदि मुझे कोई शुद्ध भक्त की रज मिल जाए, चरण रेणु मिल जाए, तो ये शायद मेरा सर का दर्द जो है दूर हो जाएगा। तो वहीं पर ही क्या करते हैं, नारद जी को भेजते हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्त मिल जाए, तो नारद जी से बोलते हैं आप ही शुद्ध भक्त हैं, आप दे दीजिए। तो नारद जी ने क्या किया, नहीं प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे बोल दिया कि मैं नहीं दे सकता। तो इस लीला को भगवान, और जब नारद जी ने प्रारंभ किया तो क्या हुआ, नारद जी जाते हैं सारे त्रिभुवन में घूमकर आते हैं, लेकिन कोई भी क्या करता है, कृष्ण के लिए उनको रज नहीं देता, अपने चरणों की रज कोई भी नहीं देता। तो जब नारद जी पहुंचते हैं वापस द्वारिका में, हे प्रभु मैं तो सारा त्रिभुवन घूम के आ गया लेकिन कोई भी राजी नहीं है आपको चरण रज देने के लिए। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि आप ब्रज में गए, ब्रज में आपने किसी से मांगा, किसी से बोला कि कृष्ण कैसे, तो भगवान के बोलने पर नारद जी दोबारा से कहां गए, ब्रज में गए, और ब्रजवासियों से बोला, क्या बोला, कि हे ब्रजवासियों, किनके निकट गए थे सबसे पहले, गोपियों के निकट। तो गोपियों के निकट जाने पर क्या बोला, हे गोपियों कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है, तो आप क्या अपने चरणों की रज देंगे, उनके चरण रज लगने से ठीक हो जाएगा। तो उसी समय गोपियों ने क्या किया, अपने चरण रज से, मतलब चरण रज को भर भर कर दे दिया पोटली में, जाओ नारद जाओ शीघ्र जाओ। तो नारद जी ने बोला, अरे तुम्हें क्या डर नहीं है, तुम्हें भय नहीं है, किस बात का भय कि तुम नरक जाओगी। अरे नरक उनके लिए तो हम हजार बार नरक जाने के लिए तैयार है, उस नरक में जाने से क्या होगा, आप जाओ शीघ्र शीघ्र जाओ और कृष्ण को चरण रज दो, जिससे उनका शीघ्र शीघ्र उनका जो व्यथा है सिर का वो ठीक हो जाए। तो उसी समय देखो ब्रजवासियों की महिमा, नारद जी को भी पता लग गई कि ब्रजवासियों की क्या महिमा है, यहां क्या भक्ति दिखला रहे हैं, कि सारे ब्रजवासी फटाफट सारी गोपियों ने क्या किया, उनको शीघ्र शीघ्र सारी की सारी रज दे दी और कृष्ण का व्यथा दूर हुआ। तो यहां पर भक्ते भक्तिमान यहां दिखा रहे हैं कि भगवान के लिए भक्त कितने सब समय सेवा करने के लिए आतुर होते हैं। तो भक्ति का अर्थात, भक्ति का मतलब क्या है, सेवा, भज धातु सेवायाम, भगवान की एकादशी के दिन सेवा, निरंतर सेवा, नाम संकीर्तन, ग्रंथ अध्ययन, सब समय मंदिर मार्जन, ये इसी धीरे धीरे करके सारा का सारा समय हमें
इसी में व्यतीत करना है, पूरा गवाना है। तो आज माधव तिथि एकादशी के दिन मैं कुछ दो शब्द बोल पाया, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें क्योंकि बोलने का अभ्यास नहीं है। क्षमा। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अरे रामचंद्र प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ इनको बाद में आप थोड़ी बोलना। आप बोलो और आप पांच मिनट बाद में आप बोले। प्रभु जी थोड़ा बोल दे, इसको बाद में आप गाना बोले। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशी श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं मेरे दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशी श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीदेव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। पूज्यपाद शिक्षा गुरु पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद माधव प्रिया प्रभु जी, पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी, पूज्यपाद संजय प्रभु जी, उपस्थित वैष्णव और वैष्णवों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज महाराज जी ने कल से ही मुझे बोल रखा है बोलना है बोलना है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या। महाराज जी कहते कुछ भी बोलना। तो बोलने की तो ऐसी है कि हम जो मैं तो बहुत छोटे होते से वृंदावन आता था और बोलने की तो अभ्यास बहुत ज्यादा है, ऐसे कुछ भी बोलते रहते थे। जब मैं बेंगलोर मठ से जुड़ा था, आज से 10 साल पहले की बात है, 2009 में बेंगलोर मठ में गया तो वहां पे किराए का मठ था हमारा, पता नहीं अभी आगरा लेक के पास है एचएसआर लेआउट में, तो वहां पे वो प्रभु जी मुझे कुछ बताने लगे तो मैंने उनको ही बोलना ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो उनको लगा कि इसको तो बहुत ज्ञान है, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं मठ जाता रहा। और मैंने उनको क्या बोला, जैसे वो मुझे कुछ कृष्ण भगवान के बारे में बताने लगे तो मैंने उनको पूरा एक याद कर रखे थे बड़े कुछ लोक को तत्व, मैंने एक ब्रिज लोक देखो ब्रिज को तत्व श्री वृंदावन धाम है, वृंदावन तत्व नित्य रहे जहां साधु जन, साधुनों को तत्व गोपी ग्वालिनी को नाम है, ग्वालिनी को तत्व गया चारावनी काम है, कामों को तत्व भैया काम जीत कृष्ण भैया, कृष्ण को तत्व राधा रानी जी को नाम है। तो मैंने कहा हम तो राधा जी के उपासक है, तो वो चुप कर गए क्योंकि वो मुझे कृष्ण कथा बताना चाहते थे, कुछ कृष्ण तत्व सुनाना चाहते, इसको तो बहुत ज्ञान है। तो मुझे उन्होंने क्या कर दिया, वंचित कर दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लगा मैंने आज इनको समझा दिया अच्छे से। और फिर क्या हुआ, वो प्रभु जी बहुत अच्छे, मेरे को उनका नाम भी याद नहीं है, वहां अभी भी मठ से आते हैं बेंगलोर मठ से वो आते हैं, तो वो माला बनाते थे ठाकुर जी की, लेकिन मुझे मठ जाना बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वहां मुझे बड़ा अच्छा प्रसाद मिलता था खाने को, क्यों सारे मेरे जितने भी पंजाबी दोस्त थे वो गुरुद्वारे जाते थे, मैं भी पहले गुरुद्वारा जाता था, संडे के दिन प्रसाद पानी वहां मिलता ही नहीं था नॉर्थ इंडियन, लेकिन जब मुझे मठ के बारे में पता चला, मुझे हर्ष प्रभु को फोन पे बोलता था मुझे यहाँ पे कोई भगवान कृष्ण भगवान का मंदिर ही नहीं मिल रहा, त्रिभंग ललित भगवान का स्वरूप देखने को नहीं मिलता, हम वैसे वाले थे सहज जैसे होता है ना कि बस वैसा देखना है कृष्ण को नाचना है बस वो करना, तो मैं कहता था कि मुझे दिखता, तो उसने सर्च वर्च करके मुझे बताया कि एचएसआर लेआउट है कोई जगह है, वहां आगरा लेक के पास जाना, वहां एक मठ है और वहां विग्रह भी है त्रिभंग ललित, तो वहां तुम दर्शन करके आ सकते हो। मैं नीचे मेरे हॉस्टल जहां मैं रहता था वहां नीचे ही बालाजी का मंदिर था तिरुपति बालाजी का, लेकिन हमारे तो यहाँ बालाजी हनुमान जी को बोलते हैं, वो तो विष्णु ही है, लेकिन मैं तो उनको हनुमान जी समझ के प्रणाम करता रहता था, सामने गरुड़ जी देखता था, गरुड़ जी सोचता था गरुड़ जी सामने क्यों है, हनुमान जी के हाथ जोड़ के बैठे होंगे भाई, प्रणाम करके आ जाता था, कितने दिन ऐसे जाता था। फिर जब मैं मठ से जुड़ा तो प्रसाद के लोभ से जाता था, सीधी सी बात है, वो धीरे धीरे प्रसाद की सेवा भी शुरू कर दी हम लोगों ने, पैसे इकट्ठे करके दे देते। तो वहाँ एक महाराज जी थे विदेशी महाराज जी, क्या नाम था उनका, हाँ वैखानस महाराज जी, वो बड़ी अच्छी कथा करते थे, बड़े एक्शन मार मार के इतना हंसाते थे, इतनी कथाएं सुनाते थे कृष्ण की, बड़ा अच्छा लगता था। फिर वहाँ और वैष्णव थे, और फिर जब मैंने गौड़िया भजन सुने तो वो तो बिल्कुल ही हिल गया मैं, मतलब भजन जब सुने ना, एक बार करो ना करो वैष्णव गोसाई, ऐसे लगता था ये बातें तो मैं कहना चाहता था लेकिन कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे थे, तो ये शब्द कहाँ से आए, शब्द दे दिए हमारे आचार्य ने, लेकिन कुछ पता, फिर भी अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होता है। वो लोग मुझे कहते थे तुम गुरुजी से मिले हो, तो मैं कहता था मैं तो कभी मिला ही नहीं गुरुदेव से, मेरे को गुरुदेव के प्रति कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं थी, लेकिन वहां जाना बड़ा ही अच्छा लगता था और बीच बीच में भी जाता रहता था ऑफिस से जब टाइम मिले, कभी कभी भी चला जाता। तो ऐसे करके थोड़ा शुरू हुआ भक्ति में,
फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। उसके बाद जब हम प्रभु जी के पास आने लगे, महाराज जी ने हमें बोला कि हम वृंदावन आते थे, गिरिराज जी परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो महाराज जी ने बोला, मैंने एक दिन महाराज जी को आके पूछा, महाराज जी कर्म अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है? तो महाराज जी कहते, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, तुम लोग क्या यहाँ सारा दिन घूमते रहते हो, प्रभु जी की कथा हो रही है यहाँ पे, कथा क्यों नहीं सुनते? तो हम लोगों ने थोड़ा महाराज जी के कहने पे प्रभु जी की कथा को श्रवण करना शुरू किया। तो यहाँ पे आके प्रभु जी का संग करते करते हमें कितना कुछ जानने को मिला, और अपनी एक्चुअल जो मेरी अपनी जो औकात जिसको बोलते हैं, अपनी जो लेवल था वो समझ में आया कि मेरा लेवल अभी कुछ भी नहीं है, लेवल अभी कुछ भी नहीं है। जैसे एक बार प्रभु जी कथा कर रहे थे तो बहुत सीरियस होके बोले कि किसी भी एक साधक, एक भक्त जो चाहता है मैं भक्ति करूं, उसके अनर्थ दूर करने में एक गुरु की पूरा जोर लग जाता है। आसान नहीं है ये कि एक साधक जो है अनर्थग्रस्त अवस्था में जो आता है, एक व्यक्ति, एक बच्चा, उसके अनर्थ दूर हो जाए। और इस बात को अनुभव किया। कैसे अनुभव किया? कि जैसे अगर हम बात करें, जब हम रामचरितमानस छोटे होते से पढ़ते थे, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लास्ट में लिखा है, मानस रोगों का वर्णन किया है, बहुत सारे मानस रोग, तो उसमें छोटा थोड़ा सा बताया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजी ही बहुत सूला, काम लो जो है काम वात पित्त लोभ अपारा, क्रोध जो है वो क्या है, क्रोध नित छाती जा रहा। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि सबसे ज्यादा, सबसे सारी व्याधियों का मूल है मोह। तो जो काम क्रोध लोभ मोह जो हमारे अहंकार ये अनर्थ है, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन दिया है, उनको मानस रोग बताया। फिर मानस रोगों का वर्णन करके तुलसीदास जी लिखते हैं करते करते कि ये मानस रोग जो है छीज ही जान ही कुछ पापी, लेकिन जानने से कुछ कम तो हो जाएंगे लेकिन इनका नाश नहीं होगा। तो इनका नाश कैसे होगा? फिर आगे लिखते हैं, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करासा, कि सदगुरु रूपी वैद के वचन में विश्वास हो जाए और विषयों कि आशा नहीं करनी, यह है संयम। मतलब कि विषय आ जाए, भोगना पड़ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन विषय की आशा नहीं रखनी, आशा को बिल्कुल खत्म कर देना है, विषय की आशा लगानी ही नहीं है। तो कभी प्रभु जी से डिस्कस करते थे कि प्रभु जी यह जो बात है कि सदगुरु रूपी वैद के वचन में विश्वास हो जाए और विषयों की आशा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, यह कैसे होगा? तो इसका भी बड़ा उत्तर प्रभु जी, हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं उन्होंने तो इतना खोल के तो कोई बता ही नहीं सकता। शिला रूप गोस्वामी पाद जी के जो ग्रंथ हैं, जो जितना भी समझाने का तरीका, तो वहां पे प्रभु जी के पास आए तो शुरू में सबसे पहला ग्रंथ कौन सा पढ़ा? माधुर्य कादंबिनी। तो उसमें एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया, एक एक चीज को। तो प्रभु जी ने तब वहां पे हमें समझाया कि देखो कैसे होगा ये, ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं है और तुम लेने जाओगे 10,000 रुपए का चेक काट के, तो तुम्हें थोड़ी दे देगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास डिपॉजिट है तो तुम कितना भी चेक काट दो पैसा मिलेगा, वो मना कर ही नहीं सकता तुम्हें। तो वो डिपॉजिट क्या है? वो डिपॉजिट है तुम्हारी सुकृतियां। सुकृतियां किसको कहते हैं? दो तरह की होती है, भक्ति उन्मुखी और अवांतर फलोन्मुखी। तो भक्ति उन्मुखी सुकृति क्या है? जो है वो दो प्रकार की है, ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात में जो कि जान के करना भक्ति के अंगों का पालन, और अज्ञात में अनजाने में हो जाए कोई भी भक्ति के अंग का पालन। तो जब वो सुकृतियां तुम्हारे पास आ जाएंगी तब क्या होगा? अपने आप जो सदगुरु रूपी वैद के वचन में भी विश्वास हो जाएगा, अपने आप विषयों की आशा भी चली जाएगी, सब कुछ अपने आप ही होता रहेगा। तो वो प्रभु जी के पास आए तो प्रभु जी से हम पूछते थे, कई चीजें पूछते थे, बड़ा जोश था, उत्साह था। जैसे वो अनिष्ठा भजन क्रिया में आता है ना उत्साहमयी, तो बड़ा उत्साह था। तो प्रभु जी एक ही बात बोलते थे, हर बार एक ही बात बोलते रहते, बस चलते रहो, प्रभुपाद के नियमों का पालन करते रहो। शिला प्रभुपाद जी ने जितने नियम बनाए गौड़िया मठ के लिए और हमारे लिए जो मठ बनाए, ये कोई सिद्ध या भक्तों के लिए नहीं बनाए, जो साधक हैं, ये जो साधक का आभास है, जो भजन के लिए इच्छुक है लेकिन जो अनर्थग्रस्त है वो भजन कैसे करेगा चलेगा, उसके लिए बनाए हैं, प्रभु जी बोलते थे। कहते अगर प्रभु जी ने बताया कि अगर हॉस्पिटल में कौन जाता है? हॉस्पिटल में वो व्यक्ति जाता है जो बीमार होगा, और ये हॉस्पिटल ही है एक जो कि बीमारों को ठीक करने के लिए। और अगर उस हॉस्पिटल में आके अगर हम प्रभुवाद के नियमों का पालन ना करें तो फिर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर अगर डॉक्टर ने हमें बोल दिया भैया गला खराब है, डॉक्टर के पास गए भैया ये दवाई खाओ साथ में गोलगप्पे नहीं खाने, और शाम को हम जाके लोही बाजार में गोलगप्पे खाए, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? दवाई जितनी मर्जी खाते रहो। तो इस तरह से प्रभुपाद जी का नियम क्या है? प्रभुपाद जी ने तो इस तरह से मठ को पूरा दे दिया, सुबह मंगला से लेके फिर चैंटिंग क्लास, फिर कीर्तन, फिर कथा। और इस चीज में मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं कि हमने प्रभु जी जैसा कोई संत देखा ही नहीं अभी तक। ऐसे नहीं है कि किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकली जो उसको इंप्लीमेंट प्रभु जी ने हमें करके दिखाया, सामने करके दिखाते हैं और करवाते हैं। और उसमें क्या है, उसमें लाभ हमें क्या मिला है हमें पता है अपना, कि हमारा जीवन नियमित हो गया। नहीं तो क्या होता था,
एक दिन एक बार में क्या बन जाते थे, जैसे 2 महीने कोई ब्रज में आया नहीं सिद्ध हो जाता है। यह बड़ी कहावत है ये कि 2 महीने ब्रज में रह लिया फिर सिद्ध बाबा जी बन के घूमता है, बाल बढ़ा लेगा और थोड़ी छोटी सी लंगोटी पहन के घूमेगा, सिद्ध हो गया क्योंकि। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमें, जो एक अनर्थग्रस्त जीव है उसके लिए अगर कोई उस नियमों का पालन करे, जो मठ को चलाने के लिए नियम बनाए, वो उसको कभी नहीं हो सकता। प्रभु जी कहते हैं गारंटीड है, गारंटी मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि उसका जो है कल्याण ना हो। मेरे गुरुदेव हमारे नरोत्तम प्रभु ने बड़ी सेवा की, उनकी नरोत्तम प्रभु बताते हैं भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि एक साधक की तरक्की किस पे डिपेंड करती है, 99% उसी पे डिपेंड करती है कि उसकी तरक्की होगी कि नहीं, वो कितना सीरियस है भजन में। कहते मुझे बोलते थे कि अगर तो तुम सीरियस हो भजन में, सीरियस रहोगे आगे, तब तो मैं तुम्हारा वहीं बैठ के भी सारा इंतजाम हम लोग करते रहेंगे, हम सब गुरुवर बैठ के वहां बैठे भी सब इंतजाम करते रहेंगे वो लोग बैठे, और अगर तुम सीरियस नहीं हो तो फिर तुम्हारे कुछ तुम हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये बात प्रभु जी ने बोली थी एक बार, जब हम जहां कई बार चंचलता भी करते तो प्रभु जी कहते हैं अगर तो तुम भजन कर रहे हो तो मेरा खून भी तुम्हारे लिए है, मैं खून भी दूंगा तुम्हें बचाने के लिए, और अगर तुम भजन नहीं करते तो तुम मेरे कुछ नहीं लगते, कोई नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। मुझे याद है जब हम शुरू में दिल्ली मठ में, जब बेंगलोर से शिफ्ट होकर आया दिल्ली आया, दिल्ली मठ में जाते थे तो मुझे रामचंद्र प्रभु जी की कथा सुनने को मिलती थी, और वहां पे कमल प्रभु थे, मेरे को पूरा नाम याद नहीं, शायद कमल सिंगला था उनका नाम, वो भी गीता पे भी क्लास देते हैं, तो उनकी एक कथा में एक बात सुनी थी बड़ी अच्छी थी। वो उन्होंने बताया था कि गुरुदेव तो बहुत बृहद वस्तु हैं, श्रील गुरुदेव ये बहुत, इनके पास तो सब कुछ है, ये तो राधा दास्यम देने आए हैं, लेकिन कहते हम लोगों की क्या अवस्था है। तो उन्होंने उसको एग्जाम्पल देके समझाया था, कहते कई बार क्या होता है व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है, तो उस चीज में साधक को अलर्ट करने के लिए उन्होंने बात बताई थी कि गुरुदेव क्या बोलते थे कि एक जब कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई बहुत बड़ी अलमारी हो, उसके आगे एक छोटा सा खरगोश बैठा हो और बहुत ज्यादा धूप निकली हो, तो आप देखना उसकी जो खरगोश की इमेज है ना, उसकी जो परछाई है बहुत बड़ी बनती है। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के आगे छोटा ऑब्जेक्ट रखा हो, उस छोटे ऑब्जेक्ट की परछाई बहुत बड़ी बनती है अगर धूप बहुत ज्यादा तेज हो। तो कहते खरगोश ऐसी बहुत ज्यादा धूप में बैठा था और उसकी परछाई बहुत बड़ी दिख रही थी, तो उसने देखा मेरी परछाई तो बहुत बड़ी दिख रही है, तो उसने क्या किया, उसको लगा मैं तो बहुत बड़ा हो गया, अब वो आराम से बैठ गया। अब शेर के दहाड़ने की आवाज आई, लेकिन खरगोश क्या समझ रहा है, भैया मैं तो बड़ा हो गया क्योंकि मैंने आश्रय बहुत बड़ी वस्तु का ले रखा है। अब क्या हुआ, शेर आया उसको दबोच के खा गया, क्योंकि वो तो उसकी परछाई ही बड़ी हुई थी, अभी वो तो बड़ा हुआ ही नहीं था। इसी तरह से हम जैसे, मेरे जैसे व्यक्ति की दशा होती है क्या, कि गुरुदेव से दीक्षा ले ली तो पता नहीं क्या हो गया, 2 महीने 4 महीने 1 साल ब्रज में रह लिए, 4 कथाएं बोलने आगी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अपनी अनर्थग्रस्त अवस्था को, अपनी जो औकात है, अपनी जो लेवल है, उसको जानना चाहिए व्यक्ति को। माइलस्टोन्स होते हैं ना, जैसे हम कहीं जाते हैं माइलस्टोन्स देखते हैं कि कम हो रहा है कि नहीं डिस्टेंस, तो वो क्या डिस्टेंस कम हो रहा है, तो उसके लिए एक ऐसे जो गुरु की, ऐसे सदगुरु की, ऐसे शिक्षा गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो स्वयं भी भजन कर रहा हो और दूसरे से भी कराए। इसीलिए तो बोला गया ना कि आचिनोति यो शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य स्तेन कीर्तित है। आचार्य किसको बोला गया, आचार्य उसको नहीं बोला गया कि हाँ भैया संन्यास लीजिए तो वही आचार्य, नहीं, आचार्य वही है कि जो शास्त्र में से हमें बिल्कुल चुन चुन के जो है उपदेश दे भक्ति परक, और फिर क्या करे उनपे स्वयं आचरण करे और दूसरे को भी चलाए, वही आचार्य है। एक संत ने कहा है, मैं सिर काटा अपना लिया कुल्हाड़ा हाथ, अब सिर काटो उसका जो चले हमारे साथ। तो यह जो मार्ग है आसान नहीं है, हमें हंसी दिल्ली लगती है, अभी समझ में आया, पहले तो मैं बता रहा हूं जैसे हम लोग तो सब कुछ याद कर रखा है, जितना मर्जी कुछ सुन लो सुनाने बैठ जाए, लेकिन बात यह है कि अपना लेवल क्या है, अपनी अवस्था क्या है। और ब्रज की बात करें, बहुत अच्छी ब्रज की महिमा कम नहीं है, लेकिन ब्रज में भी उस दिन हम भय गांव गए जहां जीव गोस्वामी पाद जी आके भजन किए, जब उनको रूप गोस्वामी पाद ने त्याग कर दिया था, लीला की थी, तो वहां पे हमने भिक्षा करी क्योंकि हमें भूख लग रही थी, 1:30 बज गया, तो हमने रोटियां ली वहां पे, छाछ ली, तो हमने किसी घर से, उन्होंने किसी घर ने हमें सब्जी भी दे दी, तो वो सब्जी में लहसुन था, हमने उसको पूछा प्याज है, कहते प्याज नहीं है, लेकिन उसमें लहसुन की स्मेल आ रही थी। तो आप सोचो अगर प्रभुपाद ये हमारे लिए ये मठ ना बना के जाते, ये किला ना बना के जाते, तो हम लोग करते क्या। जो लोग कहते हैं ना मधुकरी करके ब्रज में रह लेंगे भजन कर लेंगे, अरे मधुकरी क्या करोगे, ब्रज के गांव में तो प्याज लहसुन चल रहा है, भजन कहां से होगा, सारा कुछ तो उल्टा पुल्टा हो गया। वृंदावन की तो बात ही छोड़ो, जब गांव में ऐसे गुड़ गांव जहां पे किसी को पता तक नहीं होता था प्याज लहसुन क्या है, शराब पीते हैं लोग,
मदिरा पान कर रहे हैं। महाराज जी गलत नहीं बोलते कि इसमें गलती किसकी है, मेरी गलती है, हमारी गलती है। महाराज जी कहते तुम लोगों की गलती है, तुम लोग प्रचार नहीं करते। बात सही है, और हम महाराज जी ने हमें आदेश दिया, शायद इनकी कृपा से हम कुछ कर पाए, लेकिन बात सही है। अगर प्रभुपाद, लेकिन तब हर चीज, हर समय, हर पल प्रभुपाद की याद आती है कि अगर प्रभुपाद ये मठ ना बना के जाते तो क्या होता। तो इसीलिए हम लोग को अपना लेवल जो है समझ के आगे बढ़ना चाहिए, और नियम जो है प्रभुपाद के उन पे विशेष ध्यान देके आगे बढ़ना चाहिए। इससे अपने आप कल्याण, इसी में आनंद आने लगेगा। साधन का आनंद तो हमें प्रभु जी के पास आके पता चला, नहीं तो साधन में भी कभी आनंद होता है? साधन में तो कष्ट होता है। राम जी ने बोला है काकुशंडी जी को, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा, साधन में कष्ट है, इसलिए तो बोला साधन का कष्ट नहीं होगा। लेकिन हमें तो साधन भी कष्ट नहीं लग रहा प्रभु जी के पास, क्योंकि उस साधन को भी बहुत अच्छा बना दिया। नहीं तो हालत क्या होती है, शिकारी आएगा, वो तोता रटंत की कथा याद है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। हम छोटे होते किताब में कथा पढ़ते थे, तोते को कथा किसी ने याद करा दिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आया, शिकारी कहता भैया तोता तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया। फिर शिकारी जाने लगा तो उसने कहा चलो एक बार जाल डाल के देख लेते हैं। उसने जाल बिछा दिया तो तोते आराम से जाल बिछा के उसने दाना भी डाल दिया, तोते उड़े, जाल के अंदर बैठ गए, दाना चुगने लगे और बोल क्या रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। वही हम करते हैं, माया आएगी, जाल बिछाएगी, दाना डालेगी, फंसना नहीं है, लेकिन फंसे हुए हैं। तो यही है, एक मेरे जैसे व्यक्ति को तो इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये जो तोता रटंत है वो नहीं बनना। जब गुरुवर्ग बैठे हैं, वैष्णव बैठे हैं, अगर कोई हमें कोई वैष्णव चलाना चाहता है तो हम क्यों नहीं उसके सामने आगे उसके अनुसार चल सकते, उसका आनंद जो है आगे पता चल जाएगा। इतना बोलते ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कर्तव्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतिता नाम पावने वैष्णव नमः। रामचंद्र बोल, हर्ष कल तुम बोलना। मोहित मोहित हर्ष मोहित है, अब प्रभु जी उनको दला कर दे। ठीक है ठीक है, थोड़ी बैठ सकते हैं, ज्यादा नहीं बोल, बैठा बैठ, थोड़ा सा ही बोलूंगा मैं। ठीक है, उस लड़के का नाम है कमल शादीजा, कमल शादीजा है, बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्न मिलतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चंद्रगोपाल बोलोगे? नमः शिवाय। वो तो तैयार है महाराज जी, आजा 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 आजा, कल अच्छा मेरा नहीं हो जाए कहीं अपराध। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवों के चरणों में, विशेषकर पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथा यथ दंडवत प्रणाम। अभी वो मोहित ने कहा, वो सुनाई ना, दाना डालेगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, इसको इसको मैंने इस तरह से सुना था, और मैं अपने लिए कहा करता था कि एक महात्मा ने एक तोते को फ्री करवाया शिकारी के हाथ से। कितने का है तोता? बोलते है 10 रुपए का, मुझे दे दे। महात्मा ने वो तोता खरीद लिया और उस तोते को सिखाया कि तू ये सीख, और इसको अच्छी तरह से सिखाया और बोला अब तू बचा रहेगा, तुझको शिकारी से दाना मतलब पकड़ में नहीं आएगा, और तू अब सारे तोतों को सिखा दे। अब सारे तोतों ने सीख लिया, अब तोते टैंटे करने की बजाय यही कहते थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना। अब
शिकारी परेशान, शिकारी महात्मा के पास आए, महाराज जी हमने एक तोता आपको क्या बेचा, आपने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। तो बोलते तू चिंता मत कर, दाना डाल दे, शेर सब तेरे पास आ जाएंगे। अब वो सारे तोते आ गए ऐसे ही कि ऐसे ही। अब उस तोते में वो भी तोता था जो मेन था, गुरु था उनका, सब तोतों का जो गुरु था वो भी था। तो महात्मा ने कहा इस शिकारी को कि यार ये तोता फिर मुझे वापस दे दे, पैसा ले ले। तोता को ले लिया और तोता चिल्लाए, महात्मा आपका मंत्र झूठा, आपने मंत्र दिया? बोलते हाँ दिया। तो बोलते मैंने तुझको मंत्र दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं। बोलते हमने ये मंत्र पढ़ा, आप हम फंस क्यों गए? तोता बोल रहा है हमने ये मंत्र पढ़ा, हम फंस क्यों गए? बोलते तुम बैठे क्यों नीचे? बोलते बैठे तो क्या हुआ, पर मंत्र भी तो पढ़ा। बैठे तो क्या हुआ, मंत्र भी तो पढ़ा, तो मंत्र झूठा हो गया। तो मैं पहले यही समझता था जाप कर लेंगे, मंत्र पढ़ लेंगे तो कुछ होना नहीं है, फिर माया पकड़ेगी नहीं, फिर अनर्थ पकड़ेंगे नहीं। ओहो कमबख्त, खाली जाप करने से कुछ नहीं होने वाला है, माया से बचना भी पड़ेगा। वो बैठना नहीं वाला पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या? बैठना नहीं वो वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी मंत्र रटने से ज्यादा बैठना नहीं इंपॉर्टेंट है। ये बात बड़ी, इसी को एक उंगल कहते हैं। वो कहते हैं ना प्रयास, हमें प्रयास क्या करने हैं, बैठना नहीं, बाकी काम अपने आप होता रहेगा, बैठना नहीं। देखो मैं एकादशी वाले दिन आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं ये ग्लानी के साथ कि मैंने कभी कोई एकादशी की ही नहीं, क्योंकि मैंने गुरुदेव के मुख से सुना, बड़ा स्पष्ट सुना। देखो ये मेरे वेस्टर्न डिवोटिस कितने अच्छे हैं, निर्जला एकादशी रखते हैं, और देखो ये हमारे देसी लोग हैं इनको, और अपने ब्रह्मचारियों को और इशारा किया, इनको तो मंगल आरती से भूख लगनी शुरू हो जाती है। एकादशी का नियम है एक दिन पहले एक बार खाना है, दूसरी बार खाना नहीं है, दूसरे दिन निर्जला रखनी है, तीसरे दिन जल से उसका पालन करना है, और रात भर क्या करना है, जगना है, रात भर जगना है। मैं सोचता ही रह जाता हूं, सोचता ही रह जाता हूं, पर करता नहीं रह जाता, करना हो ही नहीं पाता है, और ये है असली एकादशी। आज की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। इसकी कथा है, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि ये जो कृष्ण एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है कार्तिक के महीने की, इसका नाम क्या है और इसका फल क्या है। तो हर एकादशी का एक कथा है, वो कथा हम लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे मतलब की नहीं, उसमें सकाम भक्ति की बात आ जाती है, लेकिन उससे भी शिक्षाएं मिलती हैं बहुत। कथा ये आती है कि एक राजा थे, उसका नाम था मुचुकुंद, पर हो सकता है यही मुचुकुंद हो पर जो देवताओं की लड़ाई में लड़ा, लेकिन मुचुकुंद राजा बहुत ही भक्त था, देवताओं से उसकी अच्छी खासी बनती थी, दोस्ती थी, और एकादशी का व्रत रखता था और भगवान विष्णु की आराधना करता था। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे ही राजा है वैसे ही प्रजा हो जाती है। तो अगर राजा एकादशी रखेगा, राजा भक्ति करेगा, तो प्रजा को करनी पड़ेगी, राजा मजबूरी कर देगा, तो एकादशी के लिए सबको मजबूर करता था कि एकादशी रखनी। कितना मजबूर करता था, अगर नहीं रखी तो सजाए मौत, छोटी मोटी सजा भी नहीं, या तो मेरे देश से निकलो या सजाए मौत, मुचुकुंद का ये नियम था। कृष्ण बतला रहे हैं किसको, युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज जी को, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये सारा आता है। तो राजा की बेटी थी, चंद्रभागा उसका नाम था, उसकी शादी हो गई एक राजकुमार से, सुषैण या कुछ ऐसा नाम था, मुझे नाम याद नहीं है उसका।
वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मनोबल वाला था, लेकिन शारीरिक रूप से बड़ा कमजोर था, वो बहुत कमजोर था। तो एक दिन शादी के बाद ये मायके आई हुई थी, कौन, चंद्रभागा, और रह रही थी, तो उसका पति उसको लेने के लिए आया, वो भी आगे रहने लगा। बीच में आ गई एकादशी। अब एकादशी आ गई उन लोगों ने, तो उसके पति ने तो कभी एकादशी रखी नहीं थी, वो इतना दुर्बल था कि एकादशी रख नहीं सकता था। अब उसकी पत्नी आके कहती है, यहां तो एकादशी के बिना सजाए मौत है, तुम यहां से निकल जाओ, भाग जाओ। बोलता है, तू तो अपने पिताजी से बात कर ले। बोलते, पिताजी, पिताजी तो अभी अनाउंस कराने वाले हैं, एकादशी वाले दिन ना वो अपने हाथियों को अन्न खिलाते हैं, ना वो अपने घोड़ों को अन्न खिलाते हैं, उनके तो पशु भी एकादशी रखते हैं। भैया, तो दमाद है, बिल्कुल भी नहीं अलाउ करेंगे। तो बोलते, मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि वो एकादशी कैसी है, निर्जला एकादशी है, मैं तो मर जाऊंगा। तो बोलते, तुम यहां से चले जाओ। तो मनोबल अच्छा था, बोलता है, ठीक है, मर ही जाते हैं यार, ऐसे ही क्या है, निर्जला रखेंगे। अब दिन तो बीत गया, अब रात भर वो लोग कीर्तन करते थे, सोते नहीं थे, तो कीर्तन चल रहा है और खूब पाठ हो रहा है और कोई सो नहीं रहा, और ये बेचारा तड़प रहा है, भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, कमजोर बहुत हो गया है, और बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसके प्राण निकल गए, वो मर गया। तो एक मंदराचल पर्वत, कुछ ऐसा पर्वत, उस पर्वत पे इस गांव का एक ब्राह्मण गया, उसका नाम था शर्मा, समथिंग शर्मा नाम था उसका, है क्या नाम, शर्मा, हाँ, सु शर्मा ऐसा नाम होगा। तो वो गया वो पर्वत पे, तो पर्वत पे देखा कि वहां का जो राजा है वो वही था, क्या कहते हैं, उसका पति जो मर गया था, हैं, राजा का दामाद, और बहुत बड़ा राजा बना हुआ है, वो तो बहुत ऊंची उसकी पोजीशन, वो राज्य तो उसके राजा से भी ज्यादा बड़ा था, पर है वो बड़ा उदास। तो इसने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? बोलते, मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि ये जो मेरा राज्य है ज्यादा दिन चलेगा नहीं। बोलते, क्यों नहीं चलेगा? बोलते हैं, ये राज्य में ये मिला क्योंकि मैंने रमा एकादशी रखी, लेकिन रखी तो पंजाबी में कहते हैं मल्लो मली, जबरदस्ती रखी हमने, मैंने मन से नहीं रखी, श्रद्धा से नहीं रखी, श्रद्धा की कमी के कारण जो मैंने एकादशी रखी, उस एकादशी का प्रभाव ये पड़ा कि मैं राजा बना हुआ हूं यहां का, इतने बड़े राज्य का, पर ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं क्योंकि मेरी श्रद्धा कम थी। तुम किसी तरह से चंद्रभागा को बोलो, वो कोई इलाज करेगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो चंद्रभागा, शायद इस समय में उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई होगी, चंद्रभागा को वो लेके आया, सुशर्मा जो ये कह रहे हैं नाम, मैं नाम बोल रहा हूं ब्राह्मण को, और वो ब्राह्मण लेके आया, और जिस पर्वत के ऊपर राज्य था उसके तलहटी पे एक बहुत बड़ा ऋषि का आश्रम था, वामन ऋषि उसका नाम था। तो वो उस आश्रम में चली गई और उनको प्रणाम किया, बोलती है, मैं अपने पति के पास जा रही हूं और ये समस्या है। तो उसने उसके ऊपर छींटा मारा और वो जवान हो गई एकदम, और उसको वहां पे ये उपाय मिला कि तूने इतनी एकादशियां रखी हैं, उसका फल दे दे अपने पति को। और वो आई और उसने अपने पति को फल दे दिया। फल देने से उस पति को, वो पति के साथ रहने लगी, एक कल्प का राज्य मिल गया। कल्प समझ रहे हो कितना? अब हमारी कैलकुलेशन में तो लाखों साल का कल्प हो जाता है, कितने साल का। तो एक निर्जला एकादशी रखने से इतना बड़ा फल मिल गया, इतनी सारी निर्जला एकादशी रखने से एक कल्प का राज्य मिल गया है। लेकिन एक मनोवृत्ति अगर हमारी रहे कि हम ये निर्जला एकादशी रख किस लिए रहे हैं, हम रख रहे हैं कल्पों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम, जब तक कल्पों के चक्कर में पड़े रहेंगे, जब तक हम समय के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो यहीं के यहीं हम रह आएंगे। हमको ये एकादशी रखनी है निर्विकल्प होकर। कैसे रखनी है?
निर्विकल्प होकर, यही कोई कल्प नहीं, कोई वी भी नहीं और नी होना चाहिए, तो हमको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमको समझिए। देखो एक छोटी सी बात है, आत्मा की वृत्ति भक्ति होती है, संसार की वृत्ति भुक्ति होती है। संसार की वृत्ति में अगर हम भक्ति अपनी लगाते चले जाएंगे, वो सकाम भक्ति हो जाएगी, उससे भगवान नहीं मिलने वाले। अभी इसने बड़ा सुंदर बात की कि प्रभु जी बतला रहे थे, सुकृति दो तरह की होती है, एक ज्ञात और एक अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृतियों के कारण हमारे को इस ये स्थिति मिल गई। क्या स्थिति मिल गई? कि हमें साधु संघ मिला, साधु संघ के बाद हमारे अंदर श्रद्धा पैदा हुई, श्रद्धा के बाद फिर दूसरा साधु संघ मिला, फिर हमने गुरु कर लिया, अब गुरु करने के बाद दीक्षा भी ले ली है। अब हम जो सुकृति करेंगे वो कौन सी सुकृति होगी? ज्ञात सुकृति होगी। जो हम जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो किसी ने पूछा ये ज्ञात सुकृति क्यों होगी, ये भक्ति नहीं होगी, ये तो सीधी भक्ति हो जानी चाहिए, ज्ञात सुकृति क्यों? असल में मेरी ऐसी समझ है कि हम जाप भी कर रहे हैं, परिक्रमा भी लगा रहे हैं, नाम जाप भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं। मेरी स्थिति क्या है, जैसे ही मंत्र जाप करता हूं नींद आनी शुरू हो जाती है। अब बोलो मैं मंत्र जाप की भक्ति कर रहा हूं या सो रहा हूं, मुझे ये यही नहीं समझ आती है। तो अब उसमें मंत्र का जाप चल रहा है, ऐसे ही हरे कृष्णा का जाप कर रहा है, तो कबीरदास जी याद आते हैं, मन का तो कर्मे फिरे और मन फिरे चहु माही, यानी हाथ में मन का चल रहा है और मन क्या है, चारों ओर भाग रहा है। अब ये वाला जो नाम है बोलो किस कैटेगरी में आएगा, ये भक्ति तो नहीं है, क्योंकि दसवां नाम अपराध है ना, ध्यान से नाम जाप ना करना क्या बन गया, नाम अपराध बन गया। तो हम नाम नहीं कर रहे हैं, नाम का क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। या फिर ये ज्ञात क्या हो गई, सुकृति हो जाएगी। हम परिक्रमा लगा रहे हैं, चल तो रहा है कीर्तन चल रहा है, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, और बोल भी रहे हैं, गाय भी रहे हैं तोतों की तरह, लेकिन ये नहीं मालूम कि हम गा क्या रहे हैं। वही जीव का और दिमाग का आपस में क्या नहीं है, तालमेल नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये सुकृतियां बनेंगी। कहने का तात्पर्य ये है, मठ में आने के बाद बड़े ही ध्यान से ये सब चीजें करनी है, तो ये बनेगी भक्ति, नहीं बनेगी तो नहीं करेंगे ध्यान से तो ये बनेगी सुकृति। मतलब अगर ध्यान ना भी जाए तो भी करनी है, और ध्यान जाए तो वाह भली, समझ आ रही बात, ध्यान जाए तो वेरी गुड, और ना ध्यान जाए तो भी छोड़ना नहीं है। क्यों? तब वो सुकृति कौन सी हो जाएगी, ज्ञात सुकृति हो जाएगी। अब ये अज्ञात सुकृतियों के इकट्ठे होने से जब हमें इतना कुछ मिल गया, तो ज्ञात सुकृतियां इकट्ठी हो जाएंगे, उससे भी बहुत कुछ मिलेगा, कब मिलेगा कहाँ मिलेगा ये भगवान जाने। तो हम एकादशी का रखें व्रत, अन्न नहीं खाएं, वो लिखा हुआ है उपाय कि अगर आप व्रत रखते हैं और अन्न नहीं खाते, पानी पी लेते हैं तो व्रत टूटता नहीं है, दूध पी लेते हैं तो व्रत टूटता नहीं है, और अगर आप दवाई खा लेते हैं तो व्रत टूटता नहीं है, फल खा लेते हैं तो व्रत टूटता नहीं है। हम इन चारों का कॉम्बिनेशन बना के कुटू के आटे के परौंठे खाते हैं, फिर हम पनीर की सब्जियां खाते हैं, फिर हम वो क्या कहते हैं वो शक्करकंदी के हलवे खाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने कुछ खाया ही नहीं है हमने कुछ खाया नहीं है। थोड़े में मैं बंद कर रहा हूं। हमारे दो साइंटिस्टों को नोबल प्राइज मिला है, दो साइंटिस्टों को, एक मिला है 2008 या 10 में किसी को, और एक को मिला है 2019 में, और दोनों ने, एक का नाम है ऑटोफिजी करके सिद्धांत दिया है, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है। ऑटोफिजी ये कहती है अगर आप कुछ ना खाओगे, व्रत रखते हो कुछ ना खाओ, तो क्या होगा कि आपके अंदर के जो सेल्स हैं वो जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं उन्हें खाना शुरू कर देंगे, तो जो इसको कैंसर तक भी होना तो वो कैंसर के एक सेलों को भी खाना शुरू कर देंगे। पर शर्त क्या है, आप क्या रहो, भूखे रहो, कुछ खाओ नहीं।
अगर आप खाओ नहीं तो जो आपकी बॉडी की जरूरत की चीजें हैं वो वाले सेल जो हैं आपके अननेसेसरी सेल्स को क्या है खाना शुरू कर देंगे। और उसने गारंटी दी है कि इस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई कैंसर का पेशेंट व्रत रखता है तो उसका कैंसर भी ठीक हो जाएगा। और जो अभी का साइंटिस्ट है जिसने 2019 में नोबेल प्राइज लिया है वो ये कहता है कि अगर आप व्रत रखते हो मतलब 24 घंटे कुछ खाते नहीं हो, पीते की शब्द नहीं लिखा उन्होंने, खाने का शब्द लिखा है, खाते नहीं हो अगर, तो हमारी ना हमारी जितनी भी नसें हैं उनके साथ कोलेटरल नसें चलती हैं, कोलेटरल समझ रहे हो, साथ साथ जिसे कहते हैं कार के संग स्टपनी, स्टपनी होती है ना, ऐसे ही हमारी हर नस के हार्ट की हर नस के साथ एक स्टपनी चलती है, फिर हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हमें हार्ट अटैक इसलिए होता है कि वो जो कोलेटरल नस है कोलेटरल आर्टरी है वो खुलती नहीं है, जब खुलना होता है समय आता है खुलने का तो वो क्या है वो खुलती नहीं है, वो बंद की बंदी रह जाती है क्योंकि काम तो उसमें हो नहीं रहा, तो पड़ी यानी कि आपकी कार पंचर हुआ और आप स्टपनी का नट खोल नहीं पा रहे हो, बेचारा स्टपनी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो अगर आप खाना नहीं खाते हो या तो उससे क्या होगा वो जो आर्टरीज हैं वो क्या हो जाती हैं वो खुल जाती हैं, आर्टरीज खुल जाती हैं। तो इसका मतलब है व्रत का इतना फायदा होता है, पर कौन से व्रत का फायदा होता है ये देखने वाली बात है, जिसमें कम से कम पियो पी लो पर कुछ खाओ नहीं। इस हिसाब से मैंने आज तक एक भी एकादशी नहीं रखी गुरुदेव की स्टैंडर्ड के हिसाब से, और मैं बहुत ही दुखी हूँ और गलानी फील करता हूँ इसके लिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि रामचंद्र की जय। आरती आरती कौन आरती करेगा हाँ? भरत प्रभु भरत प्रभु आरती आरंभ कर दो। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
కీర్తన గరిం ధర శివ జయ జయ గురాచందే ఆరతి కోశోభా జయ జయ గురాచందే ఆరతి కోశోభా జానవీ తటవని జగమన లోభాజానవితటవని జగమన లోభా జగజనే మన లోభా జగజనే గౌరాంగరారతి శుభా జగజనేర్ మన లోభా గౌరాంగరా జానవీ తటవని గౌరాంగరారతి శోభా జానవీ తటవని గౌరాంగరారతి శోభా జగజనేర్ మన లోభా గౌరాంగరారతి జగజనేర్ మన హరి బోల్ 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 కేవా దక్షిణ నితాయి చాన్ వామి గదాదర నికటి అద్వైత వాసచత్రధర నికటి శ్రీనివాస ఛత్ర ధరే శ్రీనివాస గౌరాంగరారతి కరే శ్రీనివాస ఛత్ర ధరే గౌరా గౌరా
रंगेरारती करे श्रीनिवास छत्र धरे गौर रारती करे श्रीनिवास छत्र अजनिता गौर बोले श्रीनिवास छत्र धरे जन जयनिताय जय गो जयनिताय जय गो जयनिताय के बाबशी आछे गोराचान रत्न सिंहासने बसी बाबशे आश गोराचान रत्न सिंहासन के बाबशे आश गोराचान रत्न सिंहासन आरती करे न आदि देव गणी आरती करे न आदि देव गणी देवगणी आरती करे देवगणी जग पीठे मायापुरे देवगणी आरती करे देव आदि देव गणी गौरंगरारती करे ब्रह्मा आमा दया करबने देवन आरती करे आमा दया करबने देवन आरती गौरहे गौरहे गोरहे 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 के बनर हरि आदि करी चामर दुलाए नर हरि आदि संजय मुकुंद आदि गाए संजय मुकुंद आदि गाए बासु घोषे गान करे बासु गौरांगरारती करे बासु घोषे गान करे गौरा संजय मुकुंद सने बासु घोषे गान करे संजय मुकुंद सने जनिता जय गौर भोले बासु घोषे गान करे जनिता जय बासु घोषे गान जयनिता जय गो जयनिताय जय गो जयनिताय जय गो जयनिताय जय हे बाबू कोटि चंद्र जिने बदन जल बहु जल मन मन देशे बने पर जल मन जलम 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 करे जलम जल गौर गलेर बने फूलेर माला जलम 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 करे गदा
निर्मल करे गदा नादो लाले मिंदोले झलम झलम झलमल करे नादो लाले झलम झलम झलमल जय गुर्गदाधर जय गुर्गदाधर गुर्गदाधर जय गुर्गदाधर गुर्गदाधर जय गुर्गदाधर शिव सुख नारद प्रेम गद गद शिव सुख नारद भक्ति विनोद देते गोरार संपद भक्ति जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन जय जय राधा आरती कर ललिता शक्ति गण आरती मदन मोहन रूप जीवंग सुंदर राधा विनोद बिहारी रूप जीवंग सुंदर ताम्बर शिखी पुष चूड़ा मनोहर ललित माधव वामे वृष भानु कन्या ललित माधव नील वसन गोरे रूपे गुणे धन्या नील नाना विध अलंकार करे झलम हरिमन विमोहन वदन उजल विशाखाजी सखी गण नानर गाय विशाखाजी नर्म सखी जत चामर डुला श्री राधा माधव पदे सरसिद आशीर्गति विनोद सखी पदे सुखवासी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Thank you.
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि हरि हरि, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि हरि हरि, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि हरि हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, वृंदावन में राम सेवा कुंज में राज, दान गली में राज, मान गली में राधे, सेवा कुंज में राज, राधा दामोदर में राज, श्याम सुंदर में राज, राधा रमण में राज, श्याम सुंदर में राज, बांके बिहारी राधा वल्लभ पे गोपीनाथ में, मदन मोहन में गोविंद देव पे राधे, गोपीश्वर में राधे, बरसाने में नागरी कोर पे राधे, रंगली गली में राधे, टिकटौली में राधे, दानगरा पे राधे, आनगर में राधे, विलासगर पे राधे, बीज की कुंज पे राधे, वृंदावन मंदिर में राधे, ऊंचा गांव में राधे, नीचा गांव में बोल राधे 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 राधे
सुदर्शन जी की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मंदिर के राधा रमण राधा श्याम सुधा गोकुला।